हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिंस आहू और आज हम जो सॉन्ग सीखेंगे उसका नाम है बेला चाओ। ये बहुत ही फेमस वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स पे जिसका नाम है मनी हाइस्ट, ऑल्सो वेरी फेमस एज ला कासा दे पेपेल। ये स्पेनिश सीरीज है और ये स्पेनिश सॉन्ग है, बट मैं आपको प्योर हिंदी में पूरा समझाऊंगा कि कैसे करना है, क्या कॉर्ड्स है। बहुत ही सिंपल है, बिगिनर्स जो है बहुत ही आसानी से कर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम कॉर्ड्स तरफ चलते हैं। पूरे सॉन्ग में टोटल चार कॉर्ड्स यूज है और जो सॉन्ग का स्केल है वो है ए माइनर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट कॉर्ड इज ए माइनर। सेकेंड कॉर्ड इज डी माइनर। थर्ड कॉर्ड इज ए माइनर सेवेंथ। नाम सुन के घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ए माइनर में थर्ड फिंगर आपको हटा देनी है, ये वाली फिंगर आपको रिमूव कर देनी है, तो ये ए माइनर हो जाएगा, ए माइनर सेवेंथ हो जाएगा। ए माइनर ऐसे लगती है, दिस इज ए माइनर, ये वाली थर्ड फिंगर आपको रिमूव कर देनी है, ये रिमूव कर देंगे तो ये आपका ए माइनर सेवेंथ। देन ई सेवेंथ कॉर्ड आती है, इसमें भी आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ई सेवेंथ क्या होता है, कैसे होता है, बहुत ही सिंपल है। ई कॉर्ड आप जानते हैं, इसमें से आपको सेम वो करना है, थर्ड फिंगर हटा देनी है, दिस विल बिकम ई सेवेंथ। ये चार कॉर्ड्स यूज है सॉन्ग में और जो हम सॉन्ग की स्ट्रमिंग पैटर्न है उसमें थोड़ा प्लकिंग यूज करेंगे। आप स्ट्रमिंग भी यूज कर सकते हो, स्लो स्ट्रमिंग आपको जो सूटेबल लगे आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बट मैंने जो चेक किया है मेरे हिसाब से प्लकिंग ज्यादा सूटेबल है सॉन्ग के ऊपर, तो हम प्लकिंग ट्राई करेंगे। प्लकिंग में आपको बताता हूँ कैसे होगी। पहले ए माइनर रखना है, प्लकिंग सेम है, थंब फर्स्ट फिंगर एंड सेकेंड फिंगर, थंब ऑन द फिफ्थ स्ट्रिंग, फर्स्ट फिंगर ऑन द थर्ड स्ट्रिंग, सेकेंड फिंगर ऑन द सेकेंड स्ट्रिंग। मतलब हमारी फिंगर्स किस पे है, फिफ्थ स्ट्रिंग पे, थर्ड स्ट्रिंग पे, सेकेंड स्ट्रिंग पे, ये आप देख रहे हैं एक साथ। मैं आपको एक बार पूरा फिर से करके बता देता हूँ। सबसे पहले हम एक बार प्लग करेंगे पूरा स्लैब, फिर एक बार प्लग करेंगे, फिर थर्ड फिंगर सेकेंड स्ट्रिंग प्ले करेंगे, फिर स्लैब, ये पूरा एक बार ऐसे आएगा। मतलब एक बार प्लक स्लैब, प्लक सेकेंड फिंगर सेकेंड स्ट्रिंग स्लैब, स्लो मोशन बता दे रहा हूं। ऐसे होगा, सारी कॉर्ड में सेम होगा, कुछ ऐसे चलेगा। बहुत सिंपल है ये। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप स्ट्रमिंग कर सकते हैं। ये स्ट्रमिंग में आपको पहले बता चुका हूं, डाउन ब्लॉक ब्लॉक, डाउन ब्लॉक ब्लॉक, डाउन ब्लॉक ब्लॉक में बेस आता है हल्का सा डाउन। अगर आपसे प्लकिंग नहीं हो पा रही है तो आप ये कर सकते हैं, डाउन ब्लॉक ब्लॉक, डाउन ब्लॉक ब्लॉक, डाउन, डाउन ब्लॉक ब्लॉक, डाउन ब्लॉक ब्लॉक, डाउन। ये स्विंग पैटर्न यूज है। अब एक बार हम पूरा आउटपुट देख लेते हैं कि कैसा सॉन्ग के साथ आ रहा है। पूरे सॉन्ग में हमारा सेम कॉर्ड चलता है, सेम प्रोग्रेशन चलता है। टेम्पो थोड़ा सा फास्ट या स्लो हो सकता है, अगर आपको फास्ट टेम्पो में बजाना है तो आप फास्ट बजा सकते हो, स्लो टेम्पो में बजाना है तो आप स्लो बजा सकते हो। बेसिकली जो ओरिजिनल सॉन्ग था बहुत पुराना सॉन्ग है ये बेला चाओ, उसमें आपको बहुत स्लो टेम्पो मिलेगा, बट जो इन्होंने रीमेक किया है इसमें काफ़ी बार रीमेक हुआ, जैसे हमारा आदत सॉन्ग उसके काफ़ी रीमेक बन चुके हैं जो कि ऑफिशियल बॉलीवुड में ही यूज हैं काफ़ी, तो वैसे ही इस सॉन्ग के भी काफ़ी सारे रीमेक बन चुके हैं। तो आपको प्रेफर करना पड़ेगा आप कौन सा वर्जन सिलेक्ट कर रहे हो। अगर आपको कुछ तेज करना है इस टेम्पो को तो आप तेज कर सकते हो, जो स्ट्रमिंग में बताया डाउन अप डाउन ब्लॉक ब्लॉक डाउन ब्लॉक ब्लॉक डाउन, आप वो स्ट्रमिंग यूज कर सकते हो। तो मैं आपको एक बार फास्ट स्ट्रमिंग भी करके दिखा देता हूँ, अगर किसी को फास्ट वर्जन करना है उसका, तो फर्स्ट स्ट्रमिंग यूज करेंगे डाउन ब्लॉक ब्लॉक डाउन ब्लॉक ब्लॉक डाउन,
अगर आपको स्ट्रमिंग नहीं आती तो मेरी प्रीवियस वीडियोस पे आप जाके स्ट्रमिंग अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं। आई होप इस लेसन में आपको काफ़ी हेल्प मिली हो। मेरे वोकल्स को बिल्कुल माइंड मत करिएगा क्योंकि मैंने लास्ट 2 दिन में सिर्फ इसको याद किया है। मुझे पता है ये बहुत परफेक्ट नहीं है, बट ठीक है, मुझे स्पेनिश सीखने का बहुत शौक था, काफ़ी एप्लीकेशन भी डाउनलोड की, बट क्वारंटाइन के टाइम मुझे लग रहा है आप सॉन्ग्स सुन सुन के मैं स्पेनिश सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मैंशन करिए, एंड जो रेड कलर का बटन है उस पर जाके क्लिक करिए।